हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा, खाने में एकदम स्वादिष्ट, बनाने में एकदम आसान, पोषण से भरपूर, लो कैलोरी फूड, परफेक्ट ब्रेकफास्ट आइटम, या फिर कभी कभी जब शाम को भूख लगती है उसके लिए भी परफेक्ट है, एकदम फिलिंग होता है। बहुत ही अच्छी एक वेजिटेरियन रेसिपी है, वेट लॉस के लिए भी परफेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ 296 कैलोरीज हैं पर सर्विंग में, अगर आप इसे 3 सर्विंग्स में डिवाइड करते हैं तो। टोटल उपमा जो हमारा बन करके रेडी होगा इस रेसिपी से, उसमें है 888 कैलोरीज, सिर्फ 888 कैलोरीज, और अगर आप उसे 4 सर्विंग्स में डिवाइड कर लेते हैं तो यानी कि 1 सर्विंग में सिर्फ 222 कैलोरीज आएंगी। फिर तो लुक एट द ब्यूटिफुल टेक्सचर, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। इस रेसिपी के लिए आपको मोटी सूजी का इस्तेमाल करना है। कुक विद कैलोरीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। सबसे पहले एक मैंने पैन लिया है जिसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है। हमें धीमी से धीमी आंच रखनी है और हमें 1 कप सूजी को भून लेना है। कॉन्टीन्यूसली करछी को चलाते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। सूजी को ब्राउन बिल्कुल नहीं होने देना है, बिल्कुल भी गोल्डन ज़्यादा नहीं होने देना। जैसे ही हल्की सी खुशबू आएगी उसके बाद ज़रा सा और भूनेंगे, हल्का सा गोल्डन आपको लगेगा कि होने वाला है, उसके पहले ही रुक जाएंगे, प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ठंडा हो जाए, कुक और ना हो। देन मैंने यहाँ पर एक आयरन की कढ़ाई ली है जिसमें मैं 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ मैरिड पीसीओ का। देन मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून गाय का देसी घी ऐड कर रही हूँ ताकि दोनों के बेनिफिट्स मिले। यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप 1/2 कप अनियन, 1/4 कप कैरेट, 1/8 कप ग्रीन पीस, 1/8 कप शिमला मिर्च, 1/8 कप बीन्स, ज़रा सी हरी मिर्च 1 से 2, साथ में लिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता। घी और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसमें हम 1 टीस्पून राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स को ऐड कर लेंगे। जैसे ये तड़कने लगेंगे उसी टाइम पर हम कड़ी पत्ता चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर लेंगे। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर आता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। ग्रीन चिली या फिर आप रेड चिलीज़ को भी कट करके ऐड कर सकते हैं, इससे हमारे उपमा में तीखा बना जाएगा बिकॉज उपमा में ज़्यादा रेड कलर रेड चिली पाउडर नहीं ऐड होता है। ज़रा से इसे सॉटे कर लेंगे। आफ्टर डैट यहाँ पर मैं अनियंस ऐड कर रही हूँ, अच्छे से इनको सॉटे कर लेंगे। वैसे तो पिंकिश टर्न होने तक बहुत है, हमें इनको ज़्यादा गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है, बट दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। प्याज भुन जाए फिर मैं 1/4 कप कैरेट ऐड कर रही हूँ जिससे बहुत ही अच्छी स्वीटनेस ऐड हो जाती है हमारे उपमा में और साथ ही में न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाता है। 1/8 कप ग्रीन बीन्स ऐड की है मैंने, 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मैंने इन्हें सॉटे कर लिया है। देन आई एम एडिंग 1/8 कप ग्रीन पीस यानी 1 मुट्ठी हरे मटर और 1/8 कप ग्रीन कैप्सिकम। 3 से 4 मिनट के लिए सब्जियों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे हम, मीडियम फ्लेम पर है। और मैं एडिंग स्पाइसेस, 2 से 3 टीस्पून सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ मैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अ पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर, ताकि स्पाइसेस बर्न ना हो इसलिए 1 टेबल स्पून आप पानी का ऐड कर लेंगे इस टाइप में। अब जो सूजी हमने रोस्ट करके रखी थी इसमें हम वो ऐड कर लेंगे, फिर अच्छे से हम सूजी को सब्जियों के साथ मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे, इससे क्या होगा कि सूजी के जो दाने हैं वो थोड़े मोटे मोटे रहेंगे, बाद में पानी में घुल नहीं जाएंगे, अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि हमें ओवर कुक नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें अपने उपमा के कलर को बाद में क्योंकि वाइट बना करके रखना है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पर। उसके बाद अब मैं यहाँ पर 3/4 कप पानी का ऐड कर रही हूँ। 1 कप सूजी ली थी तो 3.25 टाइम्स वाटर का मैंने यहाँ पर ऐड किया है, 3 कप पानी 1 कप सूजी के लिए और ज़रा से एक्स्ट्रा पानी बिकॉज इसमें वेजिटेबल्स भी एडेड हैं। अब फ्लेम को मैं फुल पे कर रही हूँ, आँच तेज़ होनी चाहिए इस टाइम ताकि पानी फटाफट से उबल जाए। आप चाहें तो सब्जियों में पहले पानी डाल लें, पानी में जब उबाला आ जाएगा उसके बाद आप सूजी डाल सकते हैं, बट मुझे इस तरीके से टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है।
इसे हर आधे मिनट में हम मिक्स करते रहेंगे। इस टाइम पर हमें एक 1 teaspoon शुगर ऐड करनी है। इट गिव्स अ नाइस फ्लेवर एंड जो भी हमने ड्राई स्पाइसेस डाले हैं सारे टेस्ट को बैलेंस आउट करने में हेल्प करती है शुगर। लास्ट में 2 मिनट के लिए फ्लेम को कम कर लेंगे, अच्छे से इसको पका लेंगे, कड़छी मारते रहना है। लास्ट में फ्लेम को स्विच ऑफ कर दिया है। 1/8 कप घर की जमी हुई गाय के दूध की दही ऐड कर रही हूँ मैं। इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और टेक्सचर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है उपमा का। आप चाहें तो 1/8 की जगह 1/4 कप दही भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको वैसे टेस्ट ज्यादा अच्छा लगे तो। उपमा बन करके रेडी हो गया है। अब ये प्रेजेंटेबल लगे इसके लिए हम इसको बाउल्स में ऐड कर रहे हैं। अच्छे से बाउल में ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसको ऊपर से प्रेस कर लेंगे, लेवल अप कर लेंगे और 1 मिनट के लिए कटोरी में ही या फिर बाउल में ही इस तरीके से हम रखेंगे, वेट करेंगे। लुक एट द ब्यूटिफुल टेक्स्चर। इतना उपमा सफिशिएंट रहेगा 3 लोगों के लिए, यानी कि 1/2 कप सूजी का उपमा 1 serving के लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहता है। अब एक प्लेट ले लीजिए। मैं यहाँ पर सिंपल घर पर स्टील की प्लेट से इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज दैट इज़ द हेल्दी वे, तो इसलिए स्टील की प्लेट में ही मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप बाउल को उल्टा करके रख लेंगे प्लेट के ऊपर, हल्का सा टक टक करके मारेंगे एंड फिर आपका उपमा बहुत ही अच्छे से बाहर की तरफ प्लेट में निकल करके आ जाएगा। एंड इस तरीके से प्रेजेंटेबल लगता है, सर्व करने के लिए अच्छा लगता है। यू कैन ऑल्सो गार्निश इट विद लिटिल कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश धनिया के साथ में इसको गार्निश कर सकते हैं। टेस्ट भी अच्छा लगता है इससे, फ्लेवर भी अच्छा आता है। बहुत से लोग उपमा बनाते हुए सब्जियां ऐड करने के पहले हल्का सा ना भीगी हुई दाल को, चने की दाल को, उड़द की दाल को भी भून करके फिर ऐड करते हैं। कुछ लोग रोस्टेड पीनट्स भी ऐड करते हैं, उससे डेफिनेटली न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ता है, टेस्ट भी बढ़ता है, बट कहीं ना कहीं कैलोरीज भी बढ़ती हैं, काम भी बढ़ता है। सो एक सिंपल और क्विक उपमा बनाना मैंने आज आपको बताया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। For more such videos, subscribe to my YouTube channel Cook with Calories. Also, you can follow me on my Instagram @look_gorgeous_vartika to stay connected with me.